हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और न्यू व्लॉग में। तो गाइस, अभी सुबह सुबह से क्या हो रहा, मम्मी है ना, मम्मी मुझे घर के अंदर जाने नहीं दे रही। मम्मी ने मुझे यहाँ रोक के रखा हुआ है कि अंदर मत जाना, पोछा लगाया नहीं, क्योंकि मम्मी ने आज सुबह सुबह से ही पोछा लगा दिया पूरे घर में। इस वजह से मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। अगर मैं अंदर जाऊंगा तो देखो, मम्मी सुबह सुबह से छाछ पी रही है। सुबह सुबह छाछ कौन पीता है, चाय पीना चाहिए ना। पी लेंगे। खट्टा है, थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा है, शक्कर डाली। तो मम्मी ये पड़ोस से लेके आ जाते हैं, पड़ोस में एक काके है ना, वो दे देती है मम्मी। हफ्ते में एक दो बार तो ले ही आती है छाछ। हफ्ता में एक बार दो बार ले आ। तो कब जाऊंगा अंदर में? अभी चल जा, सूख गया, हो गया। चलो फाइनली मुझे अंदर जाने की अनुमति मिल गई। आप लोगों को फैन भी दिख रहे होंगे चलते हुए, इसलिए चला रहे ताकि जल्दी से सूख जाए पोछा वोछा जो लगाया ना, इस वजह से। ठीक। और मम्मी तो पी रही है छाछ। खाने में क्या बना हुआ आज मम्मी? चने की दाल बस, रोटी। तो आज ये खाने में चने की दाल और रोटियां दिखाते हैं आपको। तो ये देख सकती हो, खुल जा सिंह सिंह, ये है रोटियां और यहाँ पर है ये चने की दाल। देखो ये चने की दाल ही है, इसको बोलते हैं चने की दाल। और आप लोगों ने यहाँ तक अगर ब्लॉग देख लिया हो तो फट से ब्लॉग को लाइक कर देना। आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। अभी एक दो दिन पहले ठीक हो गया था मौसम, मतलब ठंडी थोड़ा कम हो गई थी, लेकिन अभी अचानक से वापस मौसम ठंडा हो गया, पूरा अंधेरा अंधेरा टाइप हो गया। ऐसा लग रहा कि 6 बज गए होगी शाम के, लेकिन अभी लगभग 4:15 बज रहे, ज़्यादा टाइम भी नहीं हो रहा है। और ठंडी ठंडी हवाएं भी चलना शुरू हो गई है। और अभी मैं नहाने की तैयारी करने वाला हूँ। मैं काफ़ी टाइम से छत के ऊपर ही था, खटिया है इसके ऊपर ही मैं लेटे रहता हूँ। मुझे फटाफट नहाना है, उसके बाद मैं रील बनाने की भी तैयारी करनी है, फिर ब्लॉग भी आगे शूट करना है। और मम्मी क्या बनाना शुरू कर दिया आपने? गाइस देखो, मैं तुलसी दाल बना रही हूं, अभी बनाऊंगी चावल। तो और की दाल बना रही है मम्मी, देखो ये मिर्चे ही मिर्चा डाली हुई है मम्मी, क्या बात है। दो मिर्ची डालना पड़ा, खड़ी भी नहीं हुआ, दो मिर्चा डालनी पड़ती है। और चावल बनेंगे, ये देखो ये चावल। तो कल के ब्लॉग में आप लोगों को थोड़ा सरप्राइज देखने के लिए मिलेगा, बहुत ही अच्छा ब्लॉग आने वाला है। बट आज की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको बताया हम लोगों ने मतलब न्यू अलमारी लिए, मम्मी काफी टाइम से बोल रहे थे अलमारी लेने का, जो कि हम लोगों ने ले लिए। लेकिन उस पर ना काफी सारे कमेंट नोटिस कर रहे हैं, जैसे कि ये बोल रहे थे जो आपने अलमारी ली है वो मतलब बहुत बड़ी गलती कर दी आपने अलमारी लेकर, मतलब ली है वो गलत वाली अलमारी ली है आपने, ये वाली अलमारी नहीं लेनी थी जो लकड़ी के ले रखे है ना हम लोगों ने, ये वाली, ये जो लकड़ी की अलमारी ले रखे इसके बारे में बोल रहे थे कि ये नहीं लेना था आपसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। तो वैसे तो मैंने लेने से पहले भी बताया था कि मैंने कभी कोई मतलब हम लोगों ने कभी ऐसा कोई बड़ा सामान नहीं लिया हुआ है, और हमको पता ही नहीं है कि कौन सा अच्छा होता है कौन सा अच्छा नहीं होता है। और पहले भी एक ब्लॉग डाला था जब लेने का बोल रहा था, उस पर भी कमेंट काफी सारे आए थे, सबने बोला था कि लोहे की अलमारी लेना वो ज्यादा चलती है। तो उसी टॉपिक पर अभी भी कमेंट आ रहे थे कि आपने लोहे की ही अलमारी लेना था, ये अलमारी नहीं लेना था क्योंकि ये अलमारी ज्यादा नहीं चलेगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं भी वही सोच रहा था, लोहे की अलमारी लेने का ही मैंने भी सोचा था। लेकिन दुकान पर जाने के बाद मेरे विचार थोड़े चेंज हो गए, क्योंकि ऐसा था जो लोहे की अलमारी की बात कर रहे थे ना, उसका प्राइस था 28,000 से 30,000 रुपए। तो वो देख के मैं तो सोचा कि यार आप ये तो ले सकते ही, अभी इतनी महंगी अलमारी तो नहीं ले सकते ना। उसके बाद एक और लोहे टाइप की अलमारी थी, लेकिन वो इतनी कोई खास नहीं थी, उसकी प्राइस भी इसी के बराबर थी। मैंने पिछले ब्लॉग में भी इसका प्राइस बताया था, ये साढ़े बारह हजार में पड़ी, ठीक है। इसकी कीमत पहले जैसे इसके ऊपर लिखी हुई थी 12,600 रुपये लिखा हुआ था, इसके ऊपर स्टिकर देखो ये लिखा हुआ है, देखो ये देख रहा, ये देखो स्टिकर अभी भी लगा है, मैंने निकाला नहीं, ठीक है। तो 12,600 रुपये है इसकी कीमत, ठीक है। और ये कांच नहीं लगा हुआ था, ये अलग से लगवाया, तो उन्होंने ज्यादा पैसे तो नहीं कम करे, सिर्फ 600 रुपये कम करे ये भी ऊपर के, लेकिन उसमें 500 रुपये और एड कर दिए कांच लगाने के। तो ये समझ सकते हो कि 12,500 रुपये में अलमारी हम लोगों को पड़ी, प्लस 500 रुपये यहाँ तक लाने के, तो 13,000 रुपये में हमको ये अलमारी पड़ गई, ठीक है। और मुझे भी अच्छा नहीं लगा यार कि मतलब आप जैसे बोल रहे थे कि आपने गलत अलमारी ले ली, मुझे भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि सामान वही लेना चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा चले। बट थोड़ी हमारी भी प्रॉब्लम थी ना यार, इतने सारे पैसे तो थे नहीं कि मैं वो 30,000 से 28,000 वाली अलमारी ले सकूं। फिर मैंने सोचा अभी टेम्पररी ये तो ले लेते हैं, हमारे घर आप लोगों ने देखा होगा कपड़े ना पूरे बिखरे हुए पड़े रहते थे, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो यही ले लेते हैं, फिर कभी फ्यूचर में
अच्छे से ले लेंगे अभी, ये यही ले लेते ठीक है। तो जो भी था आप लोगों को, आप पूछ रहे थे ना क्यों ली, तो रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया ठीक है। और कल एक सरप्राइज ब्लॉग आने वाला है जिसके लिए मैं रेडी हो गया हूँ जाने के लिए कई बार ठीक है। सो फिलहाल अभी कर लेते हैं इस ब्लॉग का एंड। बताना आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसे क्या लगा, अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और अलमारी मैंने अभी अच्छे से आप लोगों को नहीं दिखाई, क्योंकि जब अलमारी ली थी ना उस टाइम मैंने बहुत ही अच्छे से दिखाया हुआ है। अगर मैं हर ब्लॉग में अलमारी दिखाते रहूंगा तो फिर जो मेरा मेन अलमारी ली थी उस दिन का ब्लॉग है वो ज्यादा चलेगा नहीं। एक तो काफी टाइम के बाद कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा है और बहुत खुशी हो रही वो देखकर भी ठीक है। तो आप लोग अपना प्यार देना, सपोर्ट करना, और भी कुछ कमेंट आप लोगों को करना तो कर देना, बताना अगर कोई सजेशन देना चाहो तो ठीक है। और भी आगे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सामान लेते रहेंगे, बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखना, प्यार देते रहना। और बताना आज का ये ब्लॉग आप लोगों को कैसे क्या लगा, अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, फिलहाल के लिए बाय।